मेरी गुड़िया के अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राहुल यानी कि महाकाल राहु की एंट्री होती है, जो कि राघव का ही भाई होता है, पर वो आता है हासिल करने माधुरी को। और माधुरी का एक ही लक्ष्य होता है कि वो राघव के दिल को पत्थर बनने से रोक सके, जो उसे गुरुजी ने कहा था कि अगर वो उस खंजर से राघव के दिल पर वार नहीं करेगी तो वो पत्थर बन जाएगा, और इसीलिए मजबूरन उसे राघव पर वार करना पड़ता है। और जब राघव पर माधुरी वार करने जाने वाली होती है, तब उसको वार करते देख सारे घर वाले देख लेते हैं और फौरन उसे हटाकर राघव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माधुरी थोड़े देर के लिए सहम जाती है और वो राघव को देखने जाती ही होती है कि राहुल आके उसे रोक लेता है और उसे काफ़ी मुश्किलों से हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है, पर वहाँ भी उसे घर वाले राघव से मिलने से रोकते हैं। तो दूसरी तरफ रत्री पुलिस को बुलाकर माधुरी को गिरफ्तार करवा देती है। माधुरी जेल में होती है, पर फिर भी राहुल उसे परेशान करने से बाज नहीं आता है। जैसे तैसे करके माधुरी जेल से भाग तो जाती है और राघव से मिलने पहुंच जाती है। पर शो में होती है नई एंट्री, जो है कव्वों की रानी क्रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, ये क्रोहिणी ही है जो आई है राघव, अवि और माधुरी को तबाह करने, और अब वो पहुंचाएगी काफ़ी नुकसान सभी को। आगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कैसे माधुरी क्रोहिणी का सामना करती है और राघव और अवि को बचाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिकैप्स और स्टोरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली मनोरंजन को। मेरी गुड़िया के सारे एपिसोड्स देखें स्टार भारत पर और कभी भी हॉटस्टार ऐप पर।